सुबह के बज गए 10:15। और कल रात को यार जो तकलीफ हुई ना, मैं आपको बोल नहीं सका। मतलब 1 बजे तक हम लोग एडिटिंग ही कर रहे थे, और गौरव ने इतना डिटेलिंग में समझाया कि ऐसे मेरे को शादी का एडिटिंग करना है। बट ठीक है, मज़ा आया काफ़ी। 1 बजे तक मतलब ऐसा लग रहा था कि अभी बस करे यार, लेकिन उसने पूरा शेड्यूल होने तक मेरे को रुका के रखा। भाई तो अभी पूरा करके ही जाना, वैसे तेरे को 5-6 दिन आना पड़ेगा। तो एक चीज जो है तकलीफ क्या होती है कि लाइट अच्छा रहा था ना, इसके मैं वहाँ पे रुक गया था। एक तकलीफ ये होती है कि रात को जो है 10:30 बजे शॉप बंद करने के बाद जो है अपने को फिर से 2 घंटा 3 घंटा जो है लैपटॉप के सामने बैठना है, तो थोड़ा सा जो है तकलीफ होता है। बट अभी ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन मज़ा ज़रूर आया, इतना मज़ा आया ना काम करके, जो सोने में इतनी अच्छी नींद आई यार, मतलब अच्छा लगा। एडिटिंग सीखने में भी मिल गया। अभी जो है मैंने अच्छा अपना कार, ये देखो, मस्त तो सुबह सुबह उठ के पहले इसको धोया, मस्त चकाचक हो गया, बहुत वैसे गंदा हो गया था बारिश की वजह से। बारिश थोड़ा शांत है, इस चक्कर में हमारा चल धो ही देता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी। अभी चलो, एक इतना सारा बात किया इंट्रोडक्शन, अपना ब्लॉग का स्टार्ट ही नहीं किया। ठीक है, कोई बात नहीं। नितेश वतंग के ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार, और थैंक यू सो मच, आप लोग बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हो। अभी अच्छा लग रहा है, जो चैनल थोड़ा सा जो है अपना बूम होते नज़र आ रहा है, तो काम करने में भी और अच्छा लग रहा है, डेली ब्लॉग करने में भी और ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो तहे दिल से शुक्रिया आप सभी लोगों का। अभी फ़िलहाल जो है हाथ दर्द करने लगा, क्योंकि एक हाथ में ये बैग है, पीछे एक बैग है, हाथ में कैमरा है, तो ये पहले रख देते हैं। चलो देखो, मेन एडिटिंग में एक ही बात मुझे लगा कि यार जो हम लोग जितनी भी सारे बातें करते हैं, मतलब उसको जो है कट करके उसको कैसे अलाइनमेंट उसका जो है कैसे सीक्वेंस में कैसे डालना है, उसको किस तरीके से कट करना है, ये एक ही जो चीज़ इम्पोर्टेंट होती है इसमें। बाकी बाकी थोड़ा बहुत इफ़ेक्ट डालना और साउंड डालना तो समझ गया, कैसे अपलोडिंग करना वो भी समझ गया, बस इतना है कि प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अगर आप डेली प्रैक्टिस करेंगे तो शायद से हो भी जाएगा जल्दी जल्दी से। कि मतलब ऑलरेडी मेरे पास जो है इसमें सामान पड़ा हुआ था, मैंने जो है सारा ये एक अपना सॉफ्ट बॉक्स, दूसरा सॉफ्ट बॉक्स, ये अपना एक बैग यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, उनका कैमरे का बैग आएगा तो, लेकिन अपना कैमरे का बैग गौरव के हाथ में दे देंगे। तो हम जा रहे हैं अभी यहाँ से मुरबाड़, राधिका मसाले, राधिका पाटिल जो मेरी स्कूल फ्रेंड है उसका जो है प्री वेडिंग करने जा रहे हैं। उनको बोला था सुबह जल्दी आने के लिए, लेकिन उनका जो है टाइम स्लॉट 10:30 बजे से 4 बजे तक का ही था टाइम स्लॉट। मतलब उनका टाइम के हिसाब से हमको काम करना पड़ता है, हमारे टाइम के हिसाब से कोई नहीं काम करेगा। तो ठीक है, कोई नहीं, अभी सबका जो है बहुत ज़्यादा काम होते हैं, लेकिन मज़ा ज़रूर आएगा क्योंकि हमारे साथ जो है उसका भाई भी आएगा, मतलब भाई भी मदद हेल्प करेगा, गौरंग भी आने वाला है, तो ये फन वाला पार्ट हो जाएगा। मतलब प्री वेडिंग तो थोड़ा कम हो जाएगा, हमारी बातें और मस्ती थोड़ी ज़्यादा हो सकती है। बोलने के लिए तो मैं और राधिका स्कूल फ्रेंड है, लेकिन हम लोग अभी जो है बहुत अभी 3-4-5 साल पहले जो है हम लोग अभी जो है रेगुलरली मिल रहे हैं, मतलब बातचीत हो रही है। नहीं तो वैसे भी स्कूल टाइम में वो बहुत ज़्यादा पढ़ाकू इंसान थे, और मैं बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट था मस्ती करने में, बैक बेंचर्स बोलते हैं ना वैसे वाला। तो अभी फिलहाल सबको मिलेंगे। ए बाबा ए वा पार्टी मागे किती सा टाइमिंग दिलेला सॉरी आली किती ना सॉरी ना। ये इसको सबसे बड़ा थैंक्स बोलना चाहूंगा क्योंकि इसने जो है इसके सारे काम किए हुए, मतलब हर एक चीज। अभी एक बैग ला के रखी है और एक मिरर ला के दिया है, बस इतना ही काम किया उसने। एकदम खोटरडे शपथ। ए बा तुझी इज्जत काढली पाहिजे काय बोलते बघते काहीच काम नाही केलं बोलते फक्त एक बॅग आणून ठेवलीस आणि मिरर आणून दिला। ठीक आहे, सबका बदला लेंगे वो। चल बाय। 10:30 बजे का टाइम दिया हुआ था, मैडम आए हैं 11 बजे, क्या करेंगे, दोस्त है कुछ बोल भी नहीं सकते। अगर इसी जगह मेरे क्लाइंट रहते तो शायद ऐसे ही रहते हैं बाय द वे। अच्छा, जो कमी ना हो ना वो दोस्त। आज मेरे ब्लॉग में ये छाने वाली, मतलब पूरा दिन। अभी फिलहाल यहाँ से निकल दे क्योंकि गौरव को बोला एक जगह बहने के लिए। हम कैसे दिख रहे हैं, काली नगीना। देखो, इसके बिना अपना जो है शूट कंप्लीट नहीं होगा, मतलब हर एक चीज में एक्सपर्ट है, मतलब अपने को हेल्प करने के लिए, एडिटिंग के लिए। कल झोप लागली का रे? हाँ, कम लागना। 1 बजे एडिटिंग कर रहा था ना कल, हम दोनों जन जो है 1 बजे तक अच्छा खासा एडिटिंग कर रहे थे। तो देख लेना आप लास्ट वाला वीडियो, आपको पता चल जाएगा कि थोड़ा बहुत टुकड़े टुकड़े में मेरे से जो गलती हो रहेगा, मतलब मैंने एडिटिंग किया है, इसने नहीं किया है। नाम भले इसका डाला है क्योंकि ये सामने बैठा था,
मैंने सिर्फ इसके इंस्ट्रक्शन फॉलो किए, लेकिन थोड़ा बहुत पूरा एडिटिंग मैंने ही किया। फर्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट जो हम लोग यहाँ पे करने वाले, गौरांग गौरांग ये है राधिका, राधिका ये है गौरांग। हाय गौरांग, माझा क्रिएटर एडिटर सपोर्टर कुठला पण टर लावून टाक, ठीक आहे, काहीतरी बोल फक्त। हां हां तो अभी फाइनली यहाँ से निकल गए, शार्ड से अभी निकले, 12 बजे मतलब 10:30 बजे का टाइम था, 12 बज गए। हमारे जीजू के वजह से उन्होंने आगे से एक्सेप्ट किया कि भाई इन लोग लेट हो गए, लेकिन फाइनली आ गए। चलो ठीक है, उनका कॉल आ गया। बाकी पूरा सामान देखो आप नीचे, पूरा जो है पूरा गाड़ी अपना भरा पड़ा है 25 किलोमीटर। तो एक चीज जो है, गाड़ी लेने का मुझे फायदा हुआ कि गाड़ी में ज्यादा स्पेस होने के कारण काम आसानी से हो गया, क्योंकि डिक्की में तो कुछ डाला ही नहीं है, अपना ही सामान है सब, मतलब फोटोग्राफी का, बाकी सब यह है, ये सामान आप जो देख रहे हो। बाकी अभी जो है स्पॉट पे जा रहे, निकलते हैं क्योंकि 12 बज के लेट हो गया। वैसे शहर से जैसे आगे निकला तो हमारे क्लाइंट जो खुशी मैडम है, उनका जो है रिसोर्ट है यहाँ पे रिवर वाइंड करके, तो सोचा कि उनसे बात कर लूँ। तो उन्होंने बोला भाई फ़ोटो भी निकालें तो निकाल सकते, मतलब यार दरिया दिल्ली होती है कोई चीज़ की, तो उन्होंने बोला भाई निकाल लो फ़ोटोज़। तो ये फर्स्ट लोकेशन कोई डिसाइड नहीं था इन लोग को जो है रिवर वाइंड में आने का, मतलब शहर से थोड़ा सा एक दो ढाई किलोमीटर आप आगे आएंगे तो आपको जो है रिवर वाइंड करके एक अच्छा खासा रिसोर्ट मिलेगा, यहाँ पे आप स्टे स्विमिंग पूल, मैं आपको दिखा देता हूँ एक से। अभी फिलहाल बारिश की वजह से इन्होंने यहाँ पे ये लगाया, नहीं तो ये मैरिज पूरा यहाँ पे होता है, मैरिज है हॉल फंक्शंस। ये देखो ये पूरा रिसोर्ट, ये देखो यहाँ पे भी जो है रिसोर्ट्स वगैरह इन्होंने ये करके रखे है, यहाँ पे रूम्स है, उसके बाद वहाँ पे भी सारे रूम्स है। ये इनका जो है स्विमिंग पूल है, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे स्विमिंग पूल आ गया। तो यहाँ पे जो है दो जगह पे इवेंट एट ए टाइम हो सकते हैं, एक यहाँ ये जो जगह पे देख रहे हो वो, और एक ये है, यहाँ भी फिलहाल जो है इन्होंने पैक करके रखा है। अभी जो है यहाँ पे अपना पूरा शूट हो चुका है, मतलब जितना चीज़ था उतना ले लिया है। अभी यहाँ पे हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं मुरवाड़ की तरफ, तो फाइनली जो है रतन जी फ्री हो गए, रतन जी से मिलते हैं। और ये जो है पूरा लॉन जो रिवर वाइंड, ये इनका ही है। तो थैंक यू, इतना जो है टाइम दिया है, गुड। और क्या है आपका ये बता सकते हो रिवर वाइंड की स्पेशलिटी? सो बेसिकली रिवर विंड्स हैज बीन अराउंड फॉर ऑलमोस्ट मोर देन आई थिंक 15 इयर्स। यहाँ पे आज की तारीख में डेस्टिनेशन वेडिंग का ट्रेंड काफ़ी है, तो वी आर अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर दैट। प्राइमरली 40 रूम्स एट वन लोकेशन एंड वी कैन अकोमोडेट अप टू 200 पीपल, 180 से 200 लोग आराम से रह सकते हैं 40 कमरों में। इन हाउस टीम है डेकोर और इवेंट्स के लिए, तो आपको कहीं और बाहर जाना नहीं है। उसके अलावा केटरिंग इन हाउस है, अगर आपको जो भी रिक्वायरमेंट है फूड को लेके सब चीज़ें हो सकती हैं। इन हाउस शेफ्स हैं जो रेस्टोरेंट के लिए फूड करते हैं, उन्हीं लोगों से हम केटरिंग भी, केटरिंग का भी फूड उनकी तरफ से ही आता है। सो बेसिकली केटरिंग में यू आर गेटिंग रेस्टोरेंट क्वालिटी फूड। नाउ ये वन स्टॉप सॉल्यूशन हो जाता है आपके लिए। बेस्ट पार्ट इज एवरीथिंग इज़ विथ यू इन ब्लैक एंड वाइट, आपके पास एक राइटिंग में कॉपी रहती है, एग्जीक्यूशन हैपन्स एज पर दैट। सो एवरीथिंग फ्रॉम वेलकम ऑफ योर बारात टू द डे यू लीव, एनीथिंग नीडेड कैन बी अरेंज एट द रिसोर्ट, आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। अदर देन दैट, क्योंकि हम उल्लासनगर कल्याण अम्बरनाथ के काफ़ी पास हैं, तो फैमिलीज़ के लिए एक अच्छा जॉइंट है, स्विमिंग पूल है, रेन डांस है, स्लाइड्स हैं, तो बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा डे स्पॉट बन जाता है। हम डे पैकेजेस और नाइट पैकेजेस दोनों ऑफर करते हैं, मॉर्निंग टू इवनिंग अगर कोई फैमिली आना चाहती है तो उनके लिए भी हमारे पास ऑप्शंस हैं, और कोई लोग अगर नाइट स्टे के लिए आना चाहते हैं तो उनके लिए भी हमारे पास काफ़ी अच्छे ऑप्शंस हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कॉर्पोरेट्स के लिए, लेजर पिकनिक्स के लिए एक अच्छा हॉटस्पॉट है, कल्याण स्टेशन से और शार्ट स्टेशन से काफ़ी पास है, और अगर ड्राइव करना चाहते हैं तो वी आर नॉट वेरी फार, मुंबई एयरपोर्ट भी सिर्फ 1.5 घंटा ड्राइव पे है यहाँ से। लुक फॉरवर्ड टू हैविंग एवरीबॉडी हियर एट द रिसोर्ट। थैंक यू। यो थैंक यू सो मच। तो मतलब आपको समझ में आया रहेगा कि मैंने जितनी इन्फॉर्मेशन दी उसमें से 1% ही मैंने बोला रहेगा, बाकी 99 इन्होंने बोल दिया, बट काफ़ी अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम दिया, थैंक यू सो मच। चलो मिलते दोस्तों। तो इसके ऐसा जो 1.5 घंटे से जो है बाहर खड़ा है, कैसे लग रहा है? नहीं, घूम रहा है इधर उधर, आगे जाके पीछे जाके, वही चल रही है तब से। वहाँ से निकलने के बाद जो है राधिका का भाई अनिकेत को हम लोग इतना कॉल लगा रहे, भाई कॉल ही नहीं उठा रहे उसको। मैं मेरे वजह से वो बंदा घर से निकला है, यहाँ पे घूमा, उसको राधिका ने बताया नहीं कि भाई तेरे को रिवर वेंड में रुकने का है करके, तो बेचारा अभी इधर उधर घूम रहा है, पता नहीं वो फ़ोन भी नहीं उठा रहा है अभी, वो शायद से गुस्से में चला गया घर पे। अनिकेत सॉरी, माझी काय चुकी नव्हती, माझी काय चुकी नाही, हिने तुला सांगितलं नाही का हे बघ, आणि आता हसते बघ अशी।
अभी फिलहाल जो है लंच ब्रेक हो गया, लंच के बाद आगे क्योंकि अनएक्सपेक्टेड है, जितना मैं सोच रहा था कि धूप यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, सोचा कि यार बारिश भी ना गिरे, ज़्यादा धूप भी ना हो, लेकिन थोड़ा टाइम भी एडजस्ट, टाइम की गलती की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो गई, बट ठीक है कोई बात नहीं, लंच करते निकलते। तो फाइनली जो है शूट ख़त्म करके अब बच गए, निकलना था 3:30-4 बजे, रैप अप वाइंड अप करना था, लेकिन बच गए ऑलमोस्ट 7:15। ठीक है क्या है, फ़र्क नहीं पड़ता। जब जो है लास्ट लोकेशन में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, तो जो है फ़ोटो निकालते 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 टाइम लग गया, तो आ गए। अब जो है यहाँ पे थोड़ा चाय का टाइमिंग बनता है। ये देखो थक गए पूरा आज सब लोग। ओए मज़ा आ रहेगा, एक नंबर। और नितेश भाई, इनका भी नाम नितेश है वैसे तो, मज़ा आया? मज़ा फिर किसी के प्री वेडिंग में जाएंगे? जाएंगे ना भाई। वो खुद का ही जाएगा ना, अभी मेरा बाकी है। अच्छा तो यहाँ पे चाय और वड़ा पाव सब कुछ खा के हो गया। अभी यहाँ से जो है कुछ करना नहीं है, इन लोगों से ड्रॉप करना है, ड्रॉप करके अपना जो है फिर से काम काज छोटा मोटा, फिलहाल नींद तो आई नहीं है, तो लेते हैं अलविदा राधिका गौरांग। चलो गौरांग को लेके जाने का अपने को, मज़ा आया बहुत, एक नंबर। बस आज के लिए इतना ही रखते हैं वीडियो को, यहाँ तक अगर वीडियो देख लिया रहेगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और प्लीज़ सपोर्ट भी कर देना, शेयर तो यार कर ही देते वैसे अपने लोग बहुत अच्छे। अब चलो मिलते हैं। Thank you.